यहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अचानक मेरा प्रोग्राम करने का काम नहीं भी था, तो फिर मैंने ये ठीक क्या कर लूँ, इससे मुझे मालूम है कि कैंपों का क्या होना है, इन कैंपों के माध्यम से किस प्रकार से कर्तृत्व में था, जिंदगी के जो सपने होते हैं जिनके बारे में चर्चा की गई, कि सपने क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रमोशन मिलता है, उनको व्याख्या करने का चिंतन पैदा होता है और कुछ कल मुझे नहीं समाना पड़ा, देश के लिए समाज के लिए काम के लिए करेगा, तो जो मैंने शिविरों में सीखा था जैसा आप बैठे हुए हो, मैं भी उन कंट्री बैठ के इन शिविर में रहने डन की फाउंडेशन, और इसीलिए मैंने अचानक सीखा कि मैं जाऊँगा तो मुझे अच्छा नहीं है, अरुणा से मेरा नेता के अधिकार का जो इनका सपना था, ये निखिल भाई जो भी केवल बैठे हुए झरने में जानते नहीं था, मैं कैसे मंत्री था, मैं पार्लियामेंट मेंबर के रूप में गांव का गाँव कहूँगी गाँव, चार लाइन मैंने पढ़ी अखबार में कि मांग कर रहे हैं सूचना का अधिकार नहीं था, मेरे दिमाग में बात बैठ गई, बात तो बहुत ठीक थी, समझ में आपका धर्माबाद जयपुर में तो मैं जाने में चला गया, पेशी पहचान प्रदेश गाँव में जाते हैं, मुझे नहीं मानता कि मैं जाने में जा रहा हूँ कि आठ दस मिनट बारे में कुछ होते हैं, तो अचानक ही मुझे दर्जन बाबू हॉस्पिटल में बन गया अवसर, और अवसर मिल गया तो जो वादा मैंने किया था धरना, इसमें जाने का मतलब ही होता है आप धरने की भावनाओं को समर्थन कर रहे हैं, सरकार बनते ही जमीन जिला में मंत्री थे, सरकार बनते हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन लागू किया, फिर आपसे सुधार हमने कानून बनाया, फिर उसकी लंबी यात्रा हो गई, फिर कानून कैबिनेट बना, यूपी गवर्नमेंट आई तो सोनिया गांधी जी ने अरुणा जी से बात करके जिस प्रकार के तैयारी हो रहे हैं, शुरू देखिए आपके डॉक्टर मनमोहन जी ने का प्रधानमंत्री बनना, सोनिया जी का और प्रणा जी का तमाम एनडीए के माध्यम से जो इनकम बना था उनका इंटरेस्ट होना, और उसके बाद में सूचना का अधिकार जो वास्तव कानून बना है जिनको कह सकते हैं कि वास्तव कानून ऐसा होना चाहिए, वो कानून को सूचना का अधिकार की शुरुआत हुई नरेगा आया उसके बाद में कुलपुरी मंदिर हमारे डोमेस्टिक कहने के मतलब कुछ गवर्नमेंट में जो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट जो हुए हैं, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, नरेगा हो महात्मा गांधी के नाम से, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, आज 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल को 2 रुपये मिलना कानून बना कर नरेगा में पार्लियामेंट के कानून के आधार पर 100 दिन के रोजगार देना सरकार पढ़ो या नहीं पढ़ो, यहाँ के जो ग्राम के गाँव के लोग पहले काम मांगना पड़ता मिलता नहीं मिलता कई बार शिकायत करते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट के अंदर आपको 100 दिन का काउंटर मांगेंगे देना पड़ेगा सरकार को, चाहे सरकार है या नहीं कोई उसका संबंध नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी कानून है, बाद में सरकार पढ़ाता है तो 50 दिन और बढ़ा देना, राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी काम शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा, और अभी राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें राइट टू हेल्थ की बात की गई थी, स्वास्थ्य का अधिकार भी सबको मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया था कि मैं पिछली बार मुख्यमंत्री बना दूसरी बार तब हमने प्री मेडिसिन की शुरुआत की, आज राजस्थान पायलट देश के अंदर WHO की तालीम करता है, सबसे अग्रिम पंक्ति में राजस्थान खड़ा है, यहाँ पर कई 700 दवाएं खड़ी है राजस्थान, हम लोगों ने टेस्ट भी कर दिया है, डायलिसिस हो चाहे वो ब्लड टेस्ट हो सोनोग्राफी हो ज्यादा मुझे कहते हो सीटी स्कैन एमआरआई करी, तो मैं हम लोग कह रहा हूँ कि अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं
खड़े लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, सरकार किसी पार्टी के हो, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए वो सिविल सोसाइटी जो जनता जुड़ी होती है, जनता के मामलों को रिप्रेजेंट करती है, एक बार वो काम वो भावना वो फीडबैक मिल जाता है जो पैसों में नहीं पाता है एक कारण है। तो एक्टिविस्ट अगर एवरेज होकर बात करेंगे और सरकार बैठे नुमाइंदे अगर उनको सरकार तो शुक्र देंगे जहाँ पार्टम है कई प्राथमिक जो मैंने आपको गिनाया है, तो डिपेंड करता है कि सरकार की मंशा क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं है क्या जानते हैं तो जानते ही, तो भावना अगर सीखने की है आपकी, आप तो नौजवान हैं, आप चक्रे देख करके चुनाव दे रहे हैं, अभी पहला पहला मैं देख रहा था संविधान में मुझे सुनाया गया आपके डाउन हम लोगों ने सफर किए हैं, हम लोग जब जब मंत्री बनते हैं तब तो सफर लेते भी हैं, पर आज आपके सामने लेने का अलग मजा है। अभी भी मेरा मैंने समझा था क्यों नहीं हम जितनी पाठ्य पुस्तक के छपे नहीं आगे के लिए, उन सब पाठ्य पुस्तकों में पहला पेज संविधान का है, संविधान का फिल्मल है वो पूरी चाहते हैं, हर बच्चा जो है उनको लगे कि मेरी पुस्तक किसी संगत की है, उसके बावजूद भी जितने मायने हैं फिल्म में छापा गया है उसको एक बार पढ़ेगा दो बार पढ़ेगा तीन बार पढ़ेगा तो जन्म आएगा मुझे मेरी जिंदगी के अंदर संविधान को सामने रख करके जिंदगी बितानी, पूरे देशवासी अगर संविधान को स्वीकार करके चले हैं तो मैं समझता हूँ कि जो जितने भी आज माहौल बना हुआ देश के अंदर जाति के रास्ते पार्टी के रास्ते धर्म के रास्ते भेदभाव के रास्ते मुस्लिम के रास्ते इस प्रेमवर के अंदर अगर पढ़ ले और जीवन में उनको आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ कि अधिकार संवेदन श्रद्धे हर उतर के लिए इतना शानदार है संविधान का प्रेमवर है, पर हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर उसको हम लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते, उस कारण से देश के अंदर विचार रहता है और अपने अपने तरीके से मैसेज देते हैं देश में ये हम पूरे देश को संविधान के मूल भावना के अनुसार चलाएं, सरकारें बदलती हैं पार्टी बदलती है, ये जरूरी है कि हम संविधान की मूल भावना को लेकर चलेंगे समझाऊंगा ऐसे कैंप चिन्हित होते हैं, हमारे गांधी वाली जबाडा भी है वो कैंप लगा के करते हैं, एक वक्त था मैंने 15 साल पहले उनके कैंप लगाने दादा जहाँ आप लोग कहेंगे सरकार आपको सहयोग करेगी, आप पूरे देश के लोगों को बुलाएं प्रदेश के लोगों को बुलाएं कैंप लगवाएं सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, आप सरकार का काम ही कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो काम सरकार को सुलभ करने का काम ही है, अगर आप उनको पॉजिटिव वे में लेते हैं ये काम सरकार का ही है, अगर जनमानस के अंदर कानून की बात होगी कानून के राज की बात होगी जाति वर्ग भेद से हटके जीवन बिताने की बात होगी और जो शिक्षित होंगे जाएंगे हमारे नौजवान कल का भारत के कंधे पाने वाला है जो एक रहे अखंड रहे विकास करता रहे प्रकृति के साथ मानव मानव प्रति ये तमाम भावनाएं अगर लोग सीखे जाते हैं इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि मैसेज क्या हूँ, मैं कई बार सुनता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आज आजादी के 70 साल की बात में भी आर्थिक छुआछूत की भावना है, आज
क्या बीतती होगी उन लोगों पर जो छुआ छूत के शिकार होते हैं। होली पे बना जा रही है तो जुदा इतने बैठे होली पे तुम कहने बैठे तुम तो दलित वर्ग के हो, आप पानी पीने में कुएं से पानी भरने में तुम्हारी श्रद्धा रखने में आप अगर मानो मानो ठीक कर रहा है इतने बड़ा कदम जो हो सकता मानवता के लिए कलंक है रिपोर्ट के अंदर। तो ये तमाम बातें जो है ये तमाम बातें ऐसे कैंपों में सीखी जाती है जिंदगी के अंदर ऐसे भेदभाव खत्म करने का बिना हम कैसे उठाए इतना हमने पीछे की है जितना अवसर मिलते हैं उन भेदभाव कैसे उसको मिटा सके। आज जो शास्त्री करने वाली पार्टी है उनके साथ आ रहे हैं लगाओ कोई बात उनका तरीका है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व की बात करते हो हिंदू संस्कार संस्कृति की बात कर रहे हो तो क्या आपके दिमाग में पार्टी अपने घर में आर एस एस के माध्यम से इस अभियान को चलाना चाहिए मुल्क के पूरे मुल्क के अंदर कि हिंदू चाहे दलित है चाहे आदिवासी है चाहे वो इंसान है जनरल कास्ट का कोई जाति धर्म का है वो सब मानव मानव है वो सब हिंदू है कम से कम छुआछूत की बीमारी छुआछूत की बीमारी में जाओ भेदभाव की बीमारी में जाओ कितना आ गया आपके तो सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है इस काम को करने के लिए इस प्रकार से एक नई छोट के साथ में आप लोग सीख के जाओगे मेरे बहुत खुशी। अरुणा जी के टीम के लोगों के साथ में दो बार जो निर्माण हुआ है झालावाड़ के गुंडा के लिए हुई है और सरकार की देख रेख हुई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी जितनी हिम्मत है उन घटनाओं के बाद में भी रास्ता छोड़ा नहीं है बल्कि संदेश देने के लिए गीत का निर्माण किया है इस रूप में जो एक्टिविस्ट है कोई काम कर कोई दूसरे लोग होते हैं तो फिर और ढंगे काम तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मेरा मानना है यदि खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी होता है तो वो पदसी ज्यादा तत्काल लेने करने की सत्ता पैदा करता है खेल खेल के अंदर उसी रूप में आप यहाँ बैठेंगे जो आप हमारी सरकार लेके आए हो आपको बच्चों ने कहा हम यहाँ आए तो हमें आपसे सबसे मिलने का मौका मिला ये बात अच्छी के लिए आप ठीक है जाएंगे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा आपका व्यक्तित्व कर्तित्व क्या आप किसी फील्ड में जाओगे राजनीति में जाओगे क्या करने के लिए या आप विरोध बनेंगे या आप उद्योग उद्योग बनेंगे या आपके सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे आपके जीवन में इन कैंपों का महत्व इतना ही रूप से रहेगा ये मैं आपको कार्य के साथ कह सकता हूँ। एक बात के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय बहुत बहुत धन्यवाद एक जम के हम धन्यवाद गहलोत साहब ने सच में साथ समझा सवाल जवाब अभी होंगे इसमें अनीता और शेव और रामलाल इसका समन्वय करेंगे। एक चीज मैं कहूंगा गहलोत साहब ये बात सही है कि गहलोत साहब आए धरने में और धरने में आने से सूचना का अधिकार का कानून बना और हमारे धरने से और हमारे गीतों से ही वही हमारे तरीके हैं। अब की आपके घोषणा पत्र में चार चीजें हैं मैं उसका जिक्र कर दूंगा बाद में हम उसको और डिटेल में जाएंगे। एक सिली प्रोसेस है जिसमें आपने कहा मैं सबको बताना चाहता हूँ बाद में इसकी बात होगी जहाँ बहुत दुखी है और एक पॉलिसी आएगी। एक आपने ही कहा कि खाद्य सुरक्षा में सारे लोगों को ले लेंगे और सच में यहाँ बहुत लोगों को मिल नहीं रहा था तो वो आपके घोषणा पत्र में है। एक तीसरा राइट जो है राजस्थान के घोषणा पत्र में है वो कानून ऐतिहासिक होगा इस देश में कि केंद्रीय घोषणा पत्र में था पार्टी का वो एक बात है लेकिन यहाँ और यहाँ रास्ता दिखाएगा जैसे सूचना के अधिकार देता है। और एक जवाबदेही कानून है जहाँ आपके दो कानूनों को और आगे ले हम तो सड़कों पर कोई भी सरकार हो वही हमारा संसद है
लेकिन हमें पता है जब वो सरकार वो अपने चीजों घोषणा पत्र में कहता है और करते हैं तो वो चीज बहुत ठोस रूप से होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ये अब हम सवाल जवाब में